fact scooters. Today we are going to discuss this very important question that was asked in NEET examination. So this question is all about DNA. We have to find out the sequence of mRNA from this given strand. The question from this question, we are having this coding strand, and what we have to do, we have to find out the sequence on the mRNA strand. So let us see how this question will be approached. Take it, beta. पहले आपको बता होना चाहिए कि हमारे पास जो बेटा डीएनए होता है, डीएनए बेटा क्या होता है? डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना बेटा? डबल स्ट्रैंड का मतलब ये ऐसे करके एक स्ट्रैंड होता है बेटा, और दूसरा बेटा ऐसे करके स्ट्रैंड होता है, ठीक है? एक स्ट्रैंड की अगर हम बेटा पोलैरिटी की बात करें तो ये आपके पास ऐसे करके 3' होता है, और ये वाला बेटा आपका 5' होता है. ये वाला क्या होगा? ये 5' होता है और ये होता है बेटा 3'. दैट इज व्हाई वी सेड दैट कि डीएनए जो होते हैं ये होते हैं एंटीपैरल. एंटीपैरल का मतलब ये बात, एक स्ट्रैंड रन करता है इन द 3'5', और दूसरा स्ट्रैंड होता है ये रन करता है 5'3'. नाउ इफ वी विल लुक टुवर्ड्स दीस टू टाइप्स ऑफ द स्ट्रैंड्स, दिस अपर वन, दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज अ व्हाट? दिस इज बेटा कॉल्ड एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड. दिस इज बेटा कॉल्ड एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड. तो इस वाले स्ट्रैंड को हम बेटा क्या बोलते हैं? इसको हम बेटा बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ व्हाट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नॉन कोडिंग स्ट्रैंड. कीप दिस इन माइंड, दिस इज कॉल्ड एज अ नॉन कोडिंग स्ट्रैंड. नाउ इफ वी विल लुक व्हाई, व्हाट डज टेम्पलेट स्ट्रैंड मीन? टेम्पलेट स्ट्रैंड बेटा उस स्ट्रैंड को बोलते हैं जो यूज होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैंड, एंड दैट स्ट्रैंड विल बी कॉल्ड एज अ व्हाट? दैट स्ट्रैंड विल बी कॉल्ड एज अ एमआरएनए स्ट्रैंड. गो दैट मीन्स टेम्पलेट स्ट्रैंड इज दैट स्ट्रैंड विच इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अनदर स्ट्रैंड, एंड दैट स्ट्रैंड इज कॉल्ड एमआरएनए स्ट्रैंड. नाउ लेट्स सी इफ वी लुक टुवर्ड्स दिस टाइप ऑफ स्ट्रैंड, दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज अ, इट इज कॉल्ड एज अ नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड. इसको हम बेटा बोलते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड. नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड का दूसरा नाम है और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कोडिंग स्ट्रैंड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कोडिंग स्ट्रैंड. इट इज कॉल्ड बेटा एज अ कोडिंग स्ट्रैंड. अब हाउ वी विल अप्रोच दिस क्वेश्चन, व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड कोडिंग स्ट्रैंड? ठीक है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड इज दैट स्ट्रैंड विच इज नॉट यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एमआरएनए. Why it is called a coding strand? Because the sequence of this strand, keep this thing in mind, the sequence of this strand will be similar with this new mRNA strand. Exception will be only one, only exception. If you will find on the coding strand this thymine will not be present in the this one we call the mRNA strand. Instead of thymine, you will be having another very important this base, that is better called uracil. You know, if we look towards your DNA, you have to keep this in mind. In the DNA, we have the adenine, we have the thymine, we have the guanine, and then we have the beta cytosine. If we will look towards the RNA में क्या होगा बेटा? एडेनिन भी होगा लेकिन थायमिन नहीं होगा. थायमिन के लिए क्या होगा? यूरैसिल होगा, गुआनिन भी होगा और साइटोसिन होगा, ठीक है ना बेटा? तो अब अगर हम बात करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे. तो ये वाले जो सीक्वेंस है, इट इज द स्ट्रैंड ऑफ दिस कोडिंग स्ट्रैंड. पहले हम इसकी क्या बनाएंगे, इस सीक्वेंस की हम बेटा कौन सा वाला वापस बनाएंगे? हम इसका बेटा टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाएंगे. हम इसकी क्या बेटा बनाएंगे? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बनाएंगे. तो पहले देखिए कैसे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, नजर रखिए आप, ठीक है बेटा? सो आई विल इरेज दिस Let us have a look how to approach this type of a question. This is very important. It will be asked again. It will be asked again in your examination. So let us have a look. Okay, beta. So what we have to do? So first we are going to make it is what we call the non-coding strand. Non-coding strand. Agar ye beta yahan par 5' hai, so you will write down here it will be the 3'. And on that side it is 3', so it will be here what? It will be 5'. Now, if it is here adenine, it will be here thymine. It will be thymine. If it is adenine, it will be again beta thymine. If it is thymine, it will be again adenine. Here if we have the thymine, so in place of thymine, we will be having the adenine. यहाँ पर बेटा साइटोसिन है, तो यहाँ पर क्या होगा? गुआनिन होगा. अब यहाँ पर एडमिन है, थाइमिन आएगा, एडमिन थाइमिन आएगा, एडमिन फिर से बेटा थाइमिन आएगा, थाइमिन थाइमिन की जगह क्या आएगा? एडमिन आएगा, एडमिन आएगा, एडमिन की जगह बेटा क्या आएगा? थाइमिन आएगा, गुआनिन की जगह साइटोसिन आएगा, और गुआनिन की जगह बेटा साइटोसिन आएगा.
Now we have get the which kind of the citrate. Now it is called as a non-coding citrate. हमारे पास क्वेश्चन क्या था, आपके पास गिवन था कोडिंग सिट्रेट। पहले हमने इसकी कौन सी सिट्रेट बनाई, पहले बेटा हमने इसकी नॉन कोडिंग सिट्रेट बनाई। पहले हमने इसका कौन सा सिट्रेट बनाया बेटा, हमने इसका टेम्पलेट सिट्रेट बना दिया। आई मीन द टेम्पलेट सिट्रेट ऑफ दिस। नाउ दिस कोडिंग सिट्रेट विल बी एक्चुअली कॉल्ड एज अ व्हाट, दिस कोडिंग सिट्रेट विल बी आल्सो कॉल्ड एज अ व्हाट, दिस विल बी कॉल्ड एज अ नॉन टेम्पलेट सिट्रेट, दिस विल बी कॉल्ड एज अ नॉन टेम्पलेट सिट्रेट। नाउ लेट अस सी हाउ द एमआरएनए विल बी फॉर्मड। एज आई टोल्ड यू the citrate from which mRNA is formed is known as what called template citrate, or it is also called as non coding citrate. Let us see what we will, what kind of answer we will get. See, it is here thymine, it is here thymine. Instead of thymine you will get the here, it will be first of pyrrolidine, again it will be pyrrolidine. So here was the thymine, we will get the adenine, we will get the adenine, put towards the board you will get the adenine beta. Here it is thymine, it will be again beta, what it will be adenine. Now you can insert, if there is adenine, if there is adenine, adenine normally makes a bond with it, thymine. But in case of the RNA, there is no thymine. So what will you say? It is uracil. So instead of adenine, you will get here uracil. यहाँ पर बेटा एडमिन है तो यहाँ पर भी बेटा क्या आएगा, यूरेसिल। यहाँ पर गानी है तो क्या आएगा बेटा, साइटोसिन, साइटोसिन आएगा। यहाँ पर थाइमिन है तो क्या आएगा, एडमिन आएगा। थाइमिन है तो एडमिन आएगा, थाइमिन है तो एडमिन आएगा। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। फिर आपके पास दो एडमिन वाली बेसिस, तो इनकी जगह क्या होगा, यूरेसिल होगा, यूरेसिल होगा। थाइमिन की जगह बेटा फिर से एडमिन होगा, साइटोसिन, साइटोसिन की जगह क्या होगा, ग्वानिन होगा, और ग्वानिन होगा। ये इसका बेटा ठीक है। So this is the answer we have given. So what you will do? Suppose now the examiner will, what he will do? He will give you, for example, an mRNA sequence. Ab example kya karega beta? In the next examination, in the coming week, he will provide you this mRNA sequence. Wo beta aapko kya dega? Wo beta wahi se aapko mRNA sequence dega. Fir bolega iski coding strand bhi bana aur iski non coding strand bhi bana. Ab dekho pehle usse pehle ek cheez discuss aapse karu. Now ye jo mRNA strand hai, इसमें से इस डीएनए में से कौन सा सिट्रेट यूज हो गया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, दैट सिट्रेट इज व्हाट कॉल्ड टेम्पलेट सिट्रेट। नाउ सर, व्हाई इट इज देयर कॉल्ड कोडिंग सिट्रेट, समझे मेरी बात, व्हाई इट इज देयर कॉल्ड कोडिंग सिट्रेट, इफ इट इज नॉट यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, देयर व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कोडिंग सिट्रेट। देखो इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि इस वाले सिट्रेट को आप बेटा इस वाले सिट्रेट से आप कंपैरिजन करोगे, यू विल सी सिमिलैरिटी, यू विल सी सिमिलैरिटी। सी हियर इज एडेनिन, हियर इज आल्सो एडेनिन, हियर इज एडेनिन, आल्सो एडेनिन, ओनली वन डिफरेंस विल बी देयर, इनस्टेड ऑफ थाइमिन देयर विल बी बेटा क्या, यूरेसिल। देखिए बेटा थाइमिन है, थाइमिन है तो यहां पर यूरेसिल, यूरेसिल आ गया, साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, 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 थाइमिन, थाइमिन, सो इनस्टेड ऑफ दैट यूरेसिल, यूरेसिल, here it is adenine, so it is adenine, guanine and guanine. So this is how we approach the question. So you will keep in mind, DNA is characterized by two strands. Those strands are antiparallel, means one strand runs in 5'3'5, another in 3'5'5. What was asked in your examination? He has given you the coding strand. So coding strand ko ab aap even if you have got the logic, he will not make this template strand. He will directly write again this, because the coding strand, you will write again this, but instead of this thymine, you will write down beta kya, uracil. Okay beta? So see, compare your given coding strand with the new strand of mRNA. See here is adenine, adenine, so only one difference. Instead of thymine, there will be beta kya, uracil.